दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह पे आए हुए हैं। शायद ये बहुत कम लोग जानते होंगे कितना खूबसूरत दृश्य आप देख रहे हैं यहाँ पर, और उसी के ऊंचाई टीले पर एक विशेष प्रकार का वट वृक्ष है। और यहाँ पर और भी कुछ निर्माण हुए हैं, यहाँ के कुछ लोकल निवासी हैं हमको यहाँ पर ले आने में मदद किए हैं। आइए जानते हैं क्या है और इसका क्या पौराणिक महत्व है। हमारे साथ हैं प्रभारी तिवारी जी और रजनीश मास्टर। तो सर, आप हमको कहाँ ले आए हैं और इस स्थल के बारे में कुछ बताइए। हम यहाँ पे आपको कृष्ण वन पे लाए हैं, अच्छा, और जहाँ भगवान कृष्ण ने लकड़ी तोड़ने के लिए यहाँ पे आया करते थे। संदीपन में जब रहते थे वहाँ दीक्षा ले रहे थे, तो अच्छा यहाँ पे लकड़ी बीनने के लिए अपने मित्र के साथ यहाँ पे आया करते थे। आप जो है सामने अपना कैमरा कीजिए, उस पार ठीक गंगा के तट के उस पार संदीपन घाट है, तो जी भगवान कृष्ण यहाँ दीक्षा लेते थे। अच्छा तो उस समय अपने रसोइयों के लिए, गुरु माता के लिए जो है लकड़ी का व्यवस्था शिष्यों को करना पड़ता था। अच्छा तो भगवान कृष्ण इस पार जो है आए अपना लकड़ी तोड़ने के लिए, अच्छा तो बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है, अच्छा इसको बहुत ही कम लोग जानते हैं हाँ अभी, जो कि ये राजा भैया के ही क्षेत्र में बेती के कुंडा तहसील के अंतर्गत है। अच्छा इसको कृष्ण वन कहते हैं। यही ठीक करीब आधा किलोमीटर पे सुदामा जी की तलरी है, अच्छा जो कि सुदामा जी को यहाँ से लोग बाग जानते हैं कि सुदामा जी की तलरी है। अच्छा और ये आप देखिए बहुत ही ऐतिहासिक बट है। अच्छा आप ये मान के चलिए कि इसका कोई समय यहाँ के क्षेत्र के निवासी नहीं जानते हैं कब का होगा ये बट, और आप देखने भी लग रहा है कितना पुराना बट है। अच्छा और ये देखिए ऐतिहासिक यहाँ गुफा वगैरह आज भी हैं, अच्छा आइए अच्छा आपको दिखाते हैं। तो आप देखिए, ये प्रतापगढ़ की जो खूबसूरत चीज़ें हैं वो दिखाने के लिए हमारा चैनल संकल्पित है। प्रतापगढ़ की ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जो आपने अभी तक देखी नहीं होगी। यहाँ पर ये जो स्थल है बहुत ही पौराणिक, आप वट वृक्ष देखे होंगे, बहुत ही पौराणिक स्थल है। और ये एक बहुत पुरानी मंदिर है, छोटी अच्छा मंदिर है लेकिन बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है यार। अच्छा बहुत ही पुरानी और मंदिर है। हाँ जी, और एक गुफा है, अच्छा इसके अंदर जो है गुफा जाना प्रतिबंधित है, जाना जाना जो है प्रतिबंधित। प्रतिबंधित है। बहुत ही ऐतिहासिक गुफा नीचे गई हुई है, हाँ, और ये आज की नहीं है, कम से कम होगी 200 वर्ष पुरानी गुफा है, अच्छा या यह और हो इसको हम लोग जान नहीं पाते हैं। अच्छा ये गुफा है, इसके जी अंदर जाना प्रतिबंधित का हरी। देखिए यहाँ पर लिखा ही भी है गुफा, और हरिहर संन्यास ऐसा कुछ लिखा हुआ है सन्यासी ये। जी महाराज कोई रहते थे कभी। अच्छा, तो जी ये गुफा सर कहाँ पर ये निकली होगी? अबे गंगा जी, इसका कोई आज तक खोज नहीं हुआ। अच्छा, इसका कोई खोज नहीं हुआ है इस गुफा का कि ये कहाँ निकली हुई है, और शायद गंगा के नीचे नीचे दूसरी तरफ से हाँ, निकली कहीं है। निकले हुए पुराने जी का आश्रम है जो 1989 में तैयार हुआ, तो वास्तव में हम। और ठीक बाबा जी हैं यहाँ पे, बाबा अच्छा जी कृष्ण वन के बारे में बताएंगे। कृष्ण भगवान यहाँ लकड़ी तोड़ने आए थे, अच्छा बताइए। हाँ आए थे, कृष्ण भगवान आए थे किस लकड़ी तोड़े, तो हुआ सुदामा गोद धोए थे। अच्छा सुदामा तलरी पे, सुदामा तलरी पे। तो दोस्तों ये बहुत ही हुआ पढ़े ने। अच्छा, तो ये वट वृक्ष जो आप देख रहे हैं कोई साधारण वट वृक्ष नहीं है, इसका द्वापर युग से इसका ताल्लुक है। और ये जो गुफा आप देखें, ये गुफा भी कोई साधारण गुफा नहीं है। आप देख रहे हैं ये चारों तरफ से, और ये गुफा कहाँ निकली है इसके बारे में भी आज तक किसी को नहीं पता है। गुफा में कोई जाने का प्रयास किया था इसके पहले? नहीं, प्रयास भी कोई नहीं किए, हाँ, क्योंकि अंदर का रास्ता बड़ा संकीर्ण है। अंदर का रास्ता पुराने जमाने में लोग जा सकते थे या उस हिसाब से हाँ, सुविधाएं होंगी। अंदर का रास्ता बहुत संकीर्ण है और खतरे से खाली भी खतरे नहीं। से खाली नहीं है। हाँ, चलिए प्रभारी जी क्या बोलना चाहते हैं हमारे चैनल के बारे में? हम लोग ओझा जी आपसे बड़ा संतुष्ट हैं, आपके चैनल के माध्यम से सभी विश्व को दिखाना चाहते हैं बिल्कुल कि बिल्कुल। आप जो है, आपको धन्यवाद के पात्र हैं चलिए कि आप चलिए, ऐसे ऐसे पुरानी ऐतिहासिक जगह को ढूंढ रहे हैं जो कि देश विदेश में लोग देखेंगे,
वो लालाहित होंगे कि ऐसा दृष्ट मिले, और ये हमारा संदेश माननीय योगी जी को भी पहुंचे कि ऐतिहासिक चीजों को संरक्षित करें, इसका नव निर्माण करें, लोग टूरिस्ट प्लेस में इसको बदल दें। सही बात, क्योंकि यहीं सिंगवेरपुर कृष्ण बान और बगल में सुदामा जी की तलरी और बाबा महादेव भोलेनाथ का यहीं से करीब 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर के दूरी पर बाबा हवदेश्वरनाथ धाम है जी, जो कि भगीरथ के हाथों द्वारा उस शिवलिंग की स्थापना हुई थी जब गंगा माँ को स्वर्ग लोक से लेके चले थे। अच्छा। अपने 60,000 पुरखों को तारने के लिए। हाँ। वहीं बगल में जांघवी ऋषि थे। अच्छा। लोग हम लोग पूर्वजों से सुने हैं जो, तो गंगा जी को लेके चल रहे थे जब भगीरथ। हाँ। तो उनके तेज से जांघवी ऋषि जी का ध्यान भंग हुआ, उन्होंने कुसा से कहते हैं जंघा को चीर के अपना। अच्छा। और गंगा माँ को समाहित कर ली। तो भगीरथ जी की नजर पीछे गई, जब हर हर की आवाज नहीं आ रही थी गंगा जी की तेज की जी, तो फिर वहीं वो विलुप्त तो हो गई गंगा जी। तो तपस्या की है राजा भगीरथ जी महाराज। अच्छा। तो वहीं पे जो राजा भैया का ताल है जहाँ पे। हाँ। यही हवन किए, तपस्या किए, वो भी बट ऐतिहासिक है। अच्छा। इसी बट वृक्ष के नीचे ही इस तरीके के हवदेश्वरनाथ में भोले बाबा का स्थान है, और कम से कम मलमास में लाखों लोगों की भीड़ होती है। बाबा आप इतना इस जंगल में रहते हैं, आपको डर नहीं लगता है किसी प्रकार का डर? नहीं, कोई डर नहीं, कोई डर। तो राजा भैया की वजह से सब कोई सुरक्षित है यहाँ पर। हाँ। अकेले ही रहते हैं आप? खाने पीने की कोई दिक्कत? राजा भैया। राजा भैया, अच्छा, वाह भाई वाह। राजा भैया यहाँ संतों की भी व्यवस्था बहुत ही। हाँ। अपने निगरानी में रखते हैं। अच्छा। और यहाँ कोई इनको तकलीफ हो जाए, हॉस्पिटल की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सब माननीय राजा भैया के सौजन्य से यहाँ व्यवस्था होती रहती है। वाह भाई वाह। क्योंकि अभी सरकार द्वारा या कह जाए तो बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं होगा, इसलिए थोड़ा यहाँ पर आने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, एक कठिन चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, लेकिन आने वाले समय में पर्यटन स्थल घोषित हो जाएगा तो आप आसानी से आ सकते हैं। देख रहे हैं हम लोग इस तरीके से जैसे यात्रा होती है पगडंडियों के थ्रू यहाँ से आए हुए हैं। फिलहाल दो चक्के से आने, दो चक्के आ जाते हैं, बगल से कच्चा मार्ग है। अच्छा। इससे आ जाते, दो चक्के आ जाते हैं, फोर व्हीलर से आपको आने में दिक्कत होगी। क्या कह रहे हैं इस एरिया के बारे में? ये एरिया पहले बहुत ही विराट जंगल हुआ करता था। अच्छा। और ये राजा महाराजा के जमाने से, जब यहाँ पर रजवाड़ी अंग्रेजों का राज हुआ करता होगा, तब भी ये जंगल एरिया था। अच्छा। अब तो गांव बस गए, काफी हो गए। सही बात। और नहीं तो ये बहुत ही दिव्य स्थान है। इस स्थान का जो लोग दर्शन कर लेंगे कृष्ण भगवान का, उनके ऊपर भी कृपा हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक ऐसा स्थान भी लग रहा है, देखिए पानी की भी यहाँ पर गंगा माई किनारा है, पूरा जंगल एरिया ही है, कटीली झाड़ियाँ हैं और भी उबड़ खाबड़ प्लेस हैं। तो यहाँ पर आना तो सुगम नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप आएंगे तो आपको एक अजीब सी शांति, अजीब सा एक आत्मविश्वास आपके अंदर पैदा होगा, क्योंकि यहाँ का माहौल भी आपको एकदम प्राकृतिक नज़र आएगा। तो दोस्तों अभी और भी चीज़ें कुंडा की हम आपको दिखाएंगे, कृष्ण वन का एरिया भी आपको दिखाए हैं प्रभारी जी के मार्गदर्शन में, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमको अच्छी तरह रखें और अच्छी तरह हमारा हम लोगों का सौभाग्य है ओझा जी जी, कि आप अपने कैमरे के माध्यम से जी जितने लोग देख पाएंगे, जो कि कल्पना नहीं किए होंगे कि प्रतापगढ़ में ऐसे ऐसे पुराने ऐतिहासिक स्थान भी हैं। सही बात। तो इसलिए आपके चैनल को कोटि कोटि धन्यवाद हम देते हैं। सर, हमारे पूरे हथगवा एरिया से, ग्राम सभा से आपको धन्यवाद, हमारे इस गंगा तटीय लोगों को, निवासियों की तरफ से धन्यवाद आपको। आप जैसे महान और योग्य, इतने कर्मठशील हैं कि हमारे साथ में आप एक कटीलों जंगल में, झाड़ियों में घुस घुस के और इस बट वृक्ष का दर्शन लोगों को कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि संगम में बट वृक्ष है जो उसके अंदर है, किले के अंदर, ठीक वैसे ही उसी काल का ये भी बट वृक्ष है। अच्छा। उस काल का ये बट वृक्ष कहा जाता है, लेकिन ये दुर्भाग्य है हम लोगों को इस क्षेत्र में कि इसका विकास नहीं हो पा रहा है कृष्णवन का,
कि यहाँ पे कोई सरकार ध्यान दे दे, इसको टूरिस्ट प्लेस इसके पीछे कारण ही होगा आवागमन का, जो आवागमन का मार्ग नहीं है यहाँ कुछ, जैसे ये पड़ता है नवस्ता इलाका में, हरगवा ग्राम सभा और बगल में नवस्ता है। जी जी, तो नवस्ता ग्राम सभा के अंतर्गत में कृष्णवन है।